हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एट सेमिस्टर जो एग्जाम हमारा होने वाला है, क्या हम लोगों का 10 SGPA आ सकता है। सो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किए थे, कमेंट किए थे मेरा चैनल में, गुल्लू लायन द किंग, सर बीटेक इवेंशन 8 सेम पर सब स्टूडेंट को कितना SGPA मिलता है, बिलो 8 मिलेगा क्या। सो मैंने सोचा एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को दिखा रहा हूँ क्रेडिट 6 से इंटरनल इवेल्यूशन 400 मार्क है। सो हम लोगों को कितना मार्क चाहिए 10 SGPA के लिए, और कैसे मिलेगा, और कैसे कैलकुलेशन होगा। सो उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो वीडियो को पूरा फर्स्ट से लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको क्लिक कर देना, जब भी मेरा न्यू अपडेट आएगा तुम लोगों को पहले पता चलेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो देखो स्टूडेंट लोग, तुम्हारा जो मेजर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप जो भी है, मैक्सिमम चांस होता है वो ग्रेड लेने का। तुम्हारा जितने भी सेमिस्टर अब खत्म हो चुका है, दैट मींस 7 सेमिस्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, ये एक अच्छा मौका है हमारा जो SGPA है उसको बैलेंस करने के लिए। ओके, 10 SGPA आ सकता है। सो कितने मार्क में, पहले मैं बता देता हूं कितना मार्क में 10 SGPA आएगा। So, उससे पहले मैं एक चीज तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर देख सकते हो 90 एंड अबव अप टू 100 10.0 ग्रेड। सो तुम लोगों को 90 सो 400 से कितना मार्क चाहिए। ओके, ऑब्वियसली 360। मैं तुमको लिख के दिखा देता हूं, 360 फॉर ओ ग्रेड। ओके, 360 फॉर ओ ग्रेड, 360 एंड अबव। जैसे यहां पर मेंशन है 90 एंड अबव, यहां पर 360 एंड अबव से तुम लोगों को ओ ग्रेड मिल सकता है। देन अगर ई ग्रेड मिलेगा तो फिर 81 से 90, सो मतलब 80%, सो कितना होगा 320 से 359 ई ग्रेड मिलेगा। ओके, सो पता चल गया। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो ओ ग्रेड तुम लोगों को कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूं। यहां पर देख सकते हो ये जो पॉइंट है 10 पॉइंट है, ओ ग्रेड के लिए 10 पॉइंट है, ई ग्रेड के लिए 9 पॉइंट है। सो देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, तुम लोगों को इजीली पता चल जाएगा तुम लोगों को। ओके, देखो सपोज तुम लोगों को ओ ग्रेड मिला, कितना ग्रेड मिला, ओ ग्रेड मतलब 10 पॉइंट, क्लियर। देन तुम्हारा क्रेडिट पॉइंट क्या है, 6 × 6 कितना हुआ 60, डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट पॉइंट 6। ये है कैलकुलेशन का, SGPA का कैलकुलेशन। सो कितना SGPA हुआ 10 SGPA, कितना SGPA आया 10। अगर तुम लोगों को ओ ग्रेड मिलता है सो क्रेडिट पॉइंट है 6 मल्टीप्लाई हुआ 10 × 6 देन डिवाइडेड बाय द टोटल क्रेडिट 6। अगर दो सब्जेक्ट होता सो 10 × 6 प्लस सपोज उसमें 9 मिला, 9 × 6 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। सो क्लियर SGPA एक कैलकुलेशन मेरा वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है, तुम लोग जाकर देख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट SGPA। सो मैं 8 सेमेस्टर के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा कंफ्यूजन है तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, और एक चीज, अगर तुम लोगों को ई ग्रेड मिला सो कैसे कैलकुलेशन होगा। अगर ई ग्रेड मिला तो कितना है ई ग्रेड का क्रेडिट पॉइंट, 9। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम लोगों को,
ई ग्रेड के लिए देखो, ई ग्रेड के लिए क्रेडिट पॉइंट कितना है 9। सो कैलकुलेशन करते हैं अभी, ई ग्रेड के लिए कितना मिला तुम लोगों को 9। 9 इंटू क्रेडिट कितना है 9 इंटू 6 कितना हुआ 54 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट इज 6। सो एसजीपीए कितना हुआ 9 एसजीपीए। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसे कैलकुलेशन होता है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, तुम्हारा अगर रहेगा तो 10 रहेगा, अगर रहेगा तो 9 रहेगा। फिर और एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ तुम लोगों को, पूरा क्लियर हो जाएगा। जो वो स्टूडेंट का डाउट था क्या 8 से नीचे आ सकता है, मैं बता रहा हूँ 8 से नीचे नहीं आएगा तुम लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 70 एंड अबव लेस देन 8 कितना होगा 8, पॉइंट कितना है 8। कैलकुलेशन करते हैं कितना आएगा, देखो मतलब ए ग्रेड मिला 8 इंटू 6 कितना हुआ 48 डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट 6। फिर भी तुम लोगों का 8 एसजीपीए आ गया ए ग्रेड में भी, ए ग्रेड में भी तुम्हारा 8 एसजीपीए आ जाता है। सो अगर तुम लोग ठीक तरह से टीचर लोग को रेस्पॉन्ड किए होंगे तो फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी कॉलेज में 8 से नीचे मार्क देते हैं, ए ग्रेड से नीचे मार्क देते हैं। अगर ए ग्रेड भी आ जाता है तो फिर 8 एसजीपी आ जाता है, अगर 9 मिलता है तो 9 एसजीपी, 10 मिलता है तो 10 एसजीपी। ओके, सो मैक्सिमम चांस है तुम लोगों को 10 एसजीपी आने का चांस है, कितना मार्क 360 एंड अबव। सो यहाँ पर क्लास मेंशन है 12 क्लास मेंशन से, सो टीचर लोग को अभी से कांटेक्ट करो, थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करो। प्रोजेक्ट जो जो कर रहे हो प्रोजेक्ट का काम टीचर लोग को बताओ, सर ए मैं कर रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये मॉडल में बनाया हूँ, ये मॉडल में बनाना चाहता हूँ। सो टीचर लोग को अच्छे से कॉन्टैक्ट करो, सो टीचर लोग जरूर इम्प्रेस होंगे। अगर टीचर लोग इम्प्रेस हो जाएंगे तो फिर तुम लोगों को 10 एसजीपीए लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 8 सेमिस्टर में 10 एसजीपीए आ जाता है फिर तुम्हारा जितना भी सेमिस्टर हो चुका है 7 का बैलेंस हो जाएगा, एक अच्छा एसजीपीए, अच्छा सीजीपी, अच्छा एसजीपीए नहीं, अच्छा सीजीपी, ओवरऑल जो सीजीपी है वो 8 के ऊपर भी जा सकता है। अगर एक सेमिस्टर में तुम 10 एसजीपीए ला देते हो तो फिर पूरा सेमिस्टर में तुम्हारा पूरा जो 8 सेमिस्टर टोटल एवरेज होगा, सो तुम्हारा एवरेज 8 के ऊपर भी जा सकता है। सो तुम लोगों का जो डाउट था कैसे 10 सीजीपीए आता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ 8 सेमिस्टर का, बाकी सेमिस्टर का मैं बोल चुका हूँ। तुम लोग मेरा प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो, बीपीयूटी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें हाउ टू कैलकुलेट एसजीपीए, हाउ टू कैलकुलेट सीजीपीए, तो तुम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो। और एक चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा जो भी सीजीपीए होगा, सपोज 10 सीजीपीए होगा, ओके, सो उसमें परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए 10 माइनस 0.5 इंटू 100 होगा, इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेशन, ये तुम्हारा बीपीयूटी का रूल में है। जितना भी अगर 9 है, 9 माइनस 0.5 इंटू 100, ओके, तो तुम्हारा परसेंटेज 100% नहीं होगा, 0.05 इंटू 100, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट मुझे पूछा है, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाया, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, सो उनका जो डाउट भी है वो तुम लोगों का भी डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर तुम्हारा मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके थोड़ा बताओ कि सर वीडियो अच्छा लगा, हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।